हेलो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी XUV 700 में रीजनरेशन आ गया है। ये रीजनरेशन दिखता कहाँ है, देखिए यहाँ पे ये रीजन लिखा हुआ आ रहा है सामने आपके, है ना, न्यूट्रल के नीचे। तो यहाँ से रीजनरेशन का हमें साइन शो हो रहा है और हमें इसका रीजनरेशन करना है। तो दो तरह के रीजनरेशन होते हैं, एक ड्राइव करके भी आप रीजनरेशन कर सकते हैं और दूसरा आपको पार्किंग रीजनरेशन भी आना चाहिए, क्योंकि सब जगह हमारे पास हाईवेज अवेलेबल नहीं है कि हम जाके वहाँ पर ड्राइव रीजनरेशन कर लें। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साइड में, इधर पे राइट हैंड साइड यहाँ पे याले बटन को हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया और इसके बाद हमें जाना है कहाँ पे, ड्राइव इन्फो में। देखेंगे भाई ड्राइव इन्फो, ये देखिए ये आ गया सामने आपके ड्राइव इन्फो। अभी टायर की पोजीशन बता रहा है ना, तो ये हमारे सामने ड्राइव इन्फो आ चुका है। इसमें हम लोग जाएंगे, एंटर करेंगे ड्राइव इन्फो में। ये देखिए ये मैं ड्राइव इन्फो में चला गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये आ रहा है रीजन, तो मेरे को स्टार्ट करना है रीजन, तो अब मेरे को एंटर का बटन होल्ड करके रखना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने होल्ड करके रखा है, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रीजनरेशन रिक्वेस्टेड आ गया है और देखिए रीजनरेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है गाड़ी का। और ये रीजनरेशन आपके 15-20 मिनट्स ले सकता है और इसमें आपका RPM थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देखिए RPM हमारा यहाँ पे बढ़ चुका है और गाड़ी हमारी रीजनरेशन हो रही है, प्रोग्रेस में है। और इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप रीजनरेशन कर रहे हो, वेंटिलेटेड स्पेस होनी चाहिए, खुली हुई स्पेस होनी चाहिए और गाड़ी आपको बीच में बंद नहीं करनी जब तक रीजनरेशन रुक ना जाए। थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।